सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं सर आप लोग? ये 32 इंच का सेट आया है मेरे पास, लोकल सैमसंग लिखा हुआ है। इसमें बैक लाइट ऑन है, ये देख सकते हैं बैक लाइट ऑन, वो पिक्चर में है। ठीक है, तो इसको हम अभी ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये देख सकते हैं सेट को हमने ओपन कर लिया है और ये मदरबोर्ड इसमें लगा है, स्मार्ट बोर्ड है, और ये सिंगल कफ वाला इसमें पैनल लगा हुआ है। तो इसके ऊपर ये पोलोथीन लगा है, इसको हम हटा लेते हैं और सेट को ऑन करके पैनल का जो भी वोल्टेज है वो हम चेक करेंगे। बारह वोल्ट जो सप्लाई है ओके है, 1.8 वोल्ट भी ओके है। और 3.3 वोल्ट भी ओके है। और ये एवीडीडी देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी वोल्टेज नहीं है, बिल्कुल जीरो वोल्टेज है। तो इस पैनल में ज़्यादातर ये जो गेट लाइन है इसकी, इसी लाइन में शॉर्टिंग होती है और इस साइड में, तो देखते हैं किस साइड में शॉर्टिंग है। बाकी जो सप्लाइयाँ हैं वो हमारी बन रही हैं, तो पहले हम इस गेट लाइन को चेक करते हैं कि शॉर्टिंग किस साइड में है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये दो ट्रैक हमने कट किया है। एक ये और एक ये, ये दो ट्रैक कट करने से जो शॉर्टिंग था वो ख़त्म हो गया है। और इस साइड का भी पहले हमने कट करके देखा था, देख सकते हैं आप लोग, तो इसको हमने जोड़ दिया है पॉजिटिव। तो अभी जो वोल्टेज हैं वो सभी बनने लगे हैं और सेट भी हमारा जो है ओके हो गया है। ये अभी इसको ऑन करते हैं, ऑन हो गया। और ये वोल्टेज हम चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को, देख सकते हैं। एबीडीटी चौदह वोल्ट और ये भी ऑन 13 वोल्ट। सप्लाई सभी ओके हो गई हैं और पैनल भी बिल्कुल ओके आ रहा है, कोई भी लाइन कोई भी लाइन नहीं है इसमें, बिल्कुल फर्स्ट क्लास नो सिग्नल आ रहा है। तो थैंक यू सभी दोस्तों को।